हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एडवेंचर यूट्यूब ब्लॉग पे। और आज जैसे हम लोग विलेज एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो हम कुछ गांव पे जाने वाले हैं जो शहर से बहुत अंदर है। और कहा जाए तो वो सब किस प्रकार से रहते हैं वहाँ, और वहाँ जाने आने का मतलब कैसा है रास्ता, फिर वो सब क्या करते हैं क्या नहीं, तो वही सब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो वन टाइप ऑफ हम लोग मोटो ब्लॉगिंग करेंगे। तो हम लोग टिपकाए होके फिर काजीगांव देवीतला ऐसा जो जगह है उस जगह पे जाएंगे और देखेंगे। और हम लोग फ़िलहाल काजीगांव पहुंचने वाले हैं। तो आज वेदर भी बहुत गर्मी है, कम से कम 38-39 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। कुछ दिनों से लगातार धूप दे रहा है, क्योंकि थोड़े दिन पहले बहुत बारिश कंटिन्यू दिया था और विभिन्न जगहों पे बहुत पानी भर गया था, फ्लड हो गया था। तो बारिश तो रुक गया, अभी बहुत धूप दे रहा है। तो हम लोग की इस रास्ते होके इधर से जाएंगे। और जैसा कि नज़ारा देख रहे हैं कि बहुत अच्छा था। और हम लोग एक जगह जो मेन रोड है वहाँ पहुँचे तो देखिए कि रास्ता का हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि बहुत सालों से रास्ता ऐसे पड़ा हुआ है, क्योंकि पीस बनाने के बाद वो कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ ऐसा ही है। तो हम लोग उधर से होके अभी निकल जाएंगे। तो आगे तरफ जाके और एक स्लोपिंग है। दोस्तों आप लोग वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए कि हम किन किन गांव पे जाएंगे और वहाँ एक्चुअली क्या होता है, क्या वो सब कैसे रहते हैं, वहाँ का घर कैसा है। यार बहुत कष्ट से रहते होंगे। जो मेरे बाएं तरफ देख रहे हैं वो ओली इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो यहाँ काजीगांव में है। वन ऑफ द मोस्ट मतलब रिनाउंड स्कूल है इंग्लिश मीडियम यहाँ का एरिया के लिए। और जो मेरा बाएं और दाएं तरफ देख रहे हैं वहाँ बहुत पानी भरता है। और ये हम लोग एक चर्च का नज़दीक पहुँचने वाले हैं। ये चर्च एक्चुअली बप्टिस्ट चर्च है। तो इधर से होके हम लोग आगे तरफ जाएंगे। जैसे कि आप मेरे दाएं और घर देख रहे हैं, ये घर सब इस प्रकार के होते हैं गांव पे। और ऐसा ड्रेन बना हुआ है, लकड़ी का ब्रिज जैसा बना हुआ है। हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि ये रास्ता बहुत जंगली जंगल है। तो हम लोग बाएं तरफ मोड़ेंगे। अभी मोड़ने के बाद जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत स्लोपिंग है और हम लोग ये रास्ता भी बहुत ख़राब है। यहाँ का मिट्टी बहुत लाल है और यहाँ एक्चुअली बारिश का टाइम में यहाँ आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो पहाड़ वाला मिट्टी है बहुत स्लीपरी होता है। तो हम लोग नहीं आ पाते इस रोड पे। पहले भी कई बार आए थे लेकिन बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए अभी वेदर अच्छा है बोल के आए हैं। तो ऐसा घर बहुत अंदर तक छोटे छोटे घर और बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ। A few moments later. अभी हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। जो पेड़ आप लोगों ने देखे वो एक्चुअली रबर ट्री है। और अभी वेदर बहुत गर्मी दे रहा है। ये जो देख रहे सुखा के है, ये एक्चुअली रबर है। तो इसको किस प्रकार बनाते हैं वो भी दिखाएंगे। जो यहाँ देख रहे हैं कि एक ट्रे लेके बैठे हैं, वो एक्चुअली रबर का जो लिक्विड है उसको बना रहा है। तो इसमें कुछ केमिकल मिक्स करके वो रबड़ को एक्चुअली सॉलिड बनाते हैं। बनाने के बाद उसको एक दूसरा ट्रे पे रखते हैं और मशीन में डाल के उसको
मतलब एक आकार दे के उसको धूप पे सुखाए जाते हैं, तो ये एक्चुअली दूध जैसा मक्खन जैसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये रबड़ है जो पेड़ आप सभी को दिखाए थे, वो एक्चुअली इसी पेड़ का ये लिक्विड है जिससे रबड़ बनाए जाते हैं। तो बहुत कष्ट है, ये अभी साफ कर रहे ताकि वो चिपक ना रहे, क्योंकि इसको सूख जाने से इसको निकालना बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उधर से होके हम लोग आगे दूसरे गांव की तरफ फिर बढ़े। तो पूछे थे कितना करके किलो, तब बताए कि 160 करके किलो है, लेकिन ये अप एंड डाउन होते रहते हैं। जैसे हम लोग उधर से निकल के अभी सुपारी घाट की तरफ जाएंगे, तो जैसा कि आप देख रहे पहले बहुत पहाड़ था ये, और चारों ओर मतलब पहाड़े पहाड़ था, और यहाँ का मिट्टी जैसा देख रहे हैं लाल सा है। इसको साफ करके इधर रास्ता बनाया गया है। थोड़ी देर में हम लोग को सुपारी, अरे यार ये बिल सब भी रास्ता पे मुझे छेक रहे। तो थोड़े आगे जाने के बाद हम लोग को सुपारी घाट मिलेगा। और एक्चुअली सुपारी घाट पहुंचने से पहले हम लोग को और एक नेशनल हाईवे मिलेगा जो नेशनल हाईवे 27 है। तो हम लोग सुपारी घाट पहुंच चुके हैं, तो ये नेशनल हाईवे NH27C है। और हम लोग इधर से होके फिर आगे की तरफ जो जगह है जिसका नाम आलमगंज है, तो हम लोग उधर जाएंगे। ये एक्चुअली थोड़ी देर आगे जाने से हम लोग को धुबरी डिस्ट्रिक्ट मिलेगा जो कहा जाता है गोरीपुर, और इधर बहुत सारा जगह है। अगर हम लोग सीधा जाएंगे तो हम लोग को धुबरी कुछ बिहार अगला हाट, तो हम लोग उधर जा सकते हैं। तो हम लोग इधर कुछ खाना खाने का कुछ जगह ढूंढ रहे हैं, और हम लोग एक्चुअली आलमगंज पहुंच चुके हैं, लेकिन इधर कोई अच्छा होटल नहीं मिल रहा है, और साइड पे एक छोटा सा मॉल भी है इस एरिया पे। पता नहीं यार कहाँ जा मिलेगा होटल। तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं आगे की तरफ अगर कोई होटल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो आगे एक होटल हम दिखाई दिया, अंकल भी बता रहा है कि आगे एक होटल है। हाँ यहाँ एक होटल है होंडा शोरूम का सामने ही, तो हम लोग इधर खाना खाने पड़ेगा अभी, क्योंकि बहुत लग रहा है। A few moments later. अभी हम लोग खाना खाने के बाद उधर से निकल गए, और निकलने के बाद हम लोग दूसरा विलेज पे फिर एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो हम लोग दूसरे गांव की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ का रास्ता भी बहुत उबड़ खबड़ है, और जंगल ही जंगल दिखा दे रहा है। तो देखते हैं जाने के बाद क्या होता है। लेकिन जो भी बोलो यार, यहाँ का जो वेदर बहुत अच्छा है, एक फ्रेश एयर, एक फ्रेश ऑक्सीजन हमें मिलता है। रास्ता बहुत जंगली जंगल है यार, यहाँ लोग पता नहीं कैसा रहते होंगे। A few moments later. थोड़ी देर के बाद हम लोग और एक गांव पे पहुँचे, और इधर पहुँचने के बाद थोड़ा
रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत थक गया यार। देख रहे हैं कि मेरा कपड़ा सब पूरा भींग गया है और इसी छाव पे बैठना पड़ेगा। थोड़ा बैठने का बाद थोड़ा हम लोग उधर से निकल गए। जो मेरा बाएं तरफ देख रहे हैं, कुछ दिन पहले यहाँ बहुत पानी भर गया था, कहा जाए तो एक फ्लड टाइप का, और बहुत सारा घर पानी के नीचे भी था। फिलहाल तो धूप के कारण से बहुत सूख गया दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर।